महाकाल मंदिर प्रबंध समिति का भक्तों से अनुरोध, बाबा के साथ होली खेलने आए, रंग गुलाल ना लाएं। बाबा महाकाल को 7 मार्च को भस्मारती में विशेष पुष्प गुलाब अर्पित किया जाएगा, यह भक्तों के लिए उपलब्ध भी रहेगा। इसलिए मंदिर प्रबंध समिति ने भक्तों से अनुरोध किया है कि मंदिर आते समय साथ में किसी भी प्रकार का रंग गुलाल लेकर न आए। वैसे तो विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में होली के उत्सव की धूम मची हुई है। आज यानी सोमवार शाम होलिका के पूजन अर्चन के बाद मंदिर में बाबा महाकाल को हर्बल गुलाल लगाकर रंगों के इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं, जिससे बाबा महाकाल के भक्त भगवान के साथ इस पर्व को धूमधाम से मना सकें। लेकिन श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति ने श्रद्धालुओं से इस बात का अनुरोध भी किया कि मंदिर में होली खेलने आने वाले भक्तों के लिए हर्बल गुलाल की व्यवस्था समिति द्वारा ही कर दी जाएगी। कृपया आप अपने साथ बाहर से किसी भी प्रकार का रंग गुलाल लेकर न आएं। श्री महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा व पंचांग अनुसार सोमवार 6 मार्च को संध्या आरती में बाबा श्री महाकाल को मंदिर में अर्पित फूलों से बना गुलाल तथा शक्कर की माला अर्पित की जाएगी। इस दौरान अन्य मंदिरों में भी गुलाल अर्पित होगा। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु ने बताया कि आज संध्या आरती पश्चात शासकीय पुजारी घनश्याम गुरुजी व अन्य पुजारी पुरोहितगण होलिका पूजन करेंगे। होलिका दहन श्री महाकाल मंदिर प्रांगण में होगा। 7 मार्च मंगलवार प्रातः मंदिर में धुलंडी होगी। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि बाबा महाकाल को 7 मार्च प्रातः भस्म आरती में विशेष पुष्प गुलाब श्री महाकालेश्वर मंदिर में अर्पित फूलों से बनाया गया गुलाल अर्पित किया जाएगा, वह भक्तों के लिए उपलब्ध रहेगा। उन्होंने सभी से विशेष अनुरोध किया है कि आप किसी भी प्रकार का गुलाल लेकर न आएं।